हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्टॉक को के बारे में, जिसको कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखने वाले हैं। तो हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करेंगे जो कैसे हम लोग ट्रेड को देख रहे हैं, क्या हम लोगों का प्लान होने वाला है, किन लेवल पर हम लोग बाई करने वाले हैं, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे स्किप कीजिएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा जो कैसे एंट्री लेना है, किस कंडीशन में एंट्री लेना है। और साथ में मैं जो भी बीच में आपके लिए कोई भी पॉइंट डिस्कशन करता हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जो कि आगे चल के आपको हेल्प करने वाला रहता है। तो इसलिए जो है मैं कंटिन्यू जो है बीच बीच में डिस्कशन करता हूँ जो आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं लेना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस स्विंग ट्रेड पे एक अपडेट है। यहाँ पे हम लोगों ने कल के सेशन में डिसाइड किया था, कल का जब एनालिसिस वीडियो आप लोग देखेंगे वहां पर मैंने आपको चोला फाइनेंस के यहाँ पे रखा था, आपको जो यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते हैं। आज देखिए बैंक निफ्टी वॉलेटाइल था, बैंक निफ्टी का मूवमेंट डाउनवर्ड था, फिर भी आपको चोला फाइनेंस यहाँ पे बाई साइड पे एक अच्छा पैसा बना के दिया। तो जरूरी नहीं है जो मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो आपको सेल में ही पैसा मिलेगा, उस टाइम भी कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो कि आपको ऊपर जाते हैं या फिर आपको बाई में भी आपको वहाँ पैसा मिल सकता है। तो हमेशा जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स का चार्ट अलग होता है, इंडेक्स का चार्ट अलग होता है, इंडेक्स को ऊपर ले जाने वाले नीचे ले जाने वाले अलग स्टॉक्स होते हैं, और जो इंडिविजुअली स्टॉक होते हैं वो अलग होता है। तो ये सब चीज़ जो है छोटी छोटी बातों आपको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत से लोग क्या होता है जो जैसे ही मार्केट को रेट देखते हैं सारे स्टॉक्स को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो मार्केट अगर गिर रहा है तो हम हर स्टॉक जो है आपको गिरेगा। बैंक निफ्टी डाउन था फिर भी SBI डाउन नहीं था, तो ये एक चीज है जो कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी डाउन था फिर भी चोला फाइनेंस जो है आपको फाइनेंस सेक्टर का कंपनी होके भी आपको पैसा बना के दिया बाई साइड में। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, और ये सब चीजें एक दिन में नहीं आएगी, इसलिए अगर मैं कुछ बताता हूं तो उस चीज को जो है आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, तो आगे से ये सब चीज जो है आपको मदद करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोगों ने ये डिसाइड किया था जो अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है तो रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप जो है इस क्लोजिंग प्राइस के 615 के ऊपर जो है आप लोग एंट्री ले सकते हैं। आज यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट भी दिया, लेकिन रिट्रेसमेंट में बहुत से लोग नहीं यहाँ पे एंट्री ले पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जो स्टॉक मार्केट डाउन खुल रहा था, यहाँ पे स्टॉक जो है स्टॉक भी फर्स्ट डाउन खुला उसके बाद ऊपर जाने लगा, बहुत से लोगों को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, और ये चीज होता है। ये जब चीज धीरे धीरे जब आप देखते जाएंगे चार्ट, जब आपके सामने चीजें होने लगेगी समझने लगेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगा। उसके बाद देखिए एक अच्छा क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी अगर आप लेते तो भी एक अच्छा पैसा बन जाता। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, पूरा टाइम ऊपर रहा है, और यहाँ पे कहीं पे भी आपको ज्यादा मूवमेंट डाउन साइड नहीं दिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको साइडवेज गया है। कल यहाँ पे फिर से एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, अगर ये ऊपर की साइड अगर कल यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यहाँ पे जो अगर ये रेंज ब्रेक होता है, ये जो आप मैं आपको क्लियर वे में बता देता हूं, अगर ये रेंज ब्रेक होता है जो आज यहां पे आपको बहुत टाइम इस रेंज के भीतर रहा ये स्टॉक, अगर कल ये रेंज यहां पे ब्रेक होता है इंट्राडे में आप यहां पे जरूर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल 641 का रखना है, और टारगेट जो है वो आपका 1:2 होने वाला है। यहाँ पे एक क्लासिक जो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको बन रहा है, डेली चार्ट में ब्रेकआउट है, ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम फिर से आपको मिल सकता है। आज यहाँ पे जितने भी लोगों ने पैसा बनाया है यहाँ पे आप लोग जो है जरूर कमेंट बॉक्स में उस चीज को मेंशन कीजिएगा, जिससे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ हम लोगों को भी जो अच्छा लगता है अगर कोई हम लोगों के एनालिसिस पे पैसा बनाता है। तो ये अपडेट था आपको चोला फाइनेंस के ऊपर, एक ही दिन में आपको यहाँ पे 40 पॉइंट का मूवमेंट मिला, और एक अच्छा जो है 1:2 का जो है यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड मिला। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्विंग स्टॉक की, और ये स्विंग स्टॉक है आपको बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का चार्ट हम लोग पहले ऊपर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर हम लोग नीचे के टाइम फ्रेम में देखेंगे जो कैसे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्विंग ट्रेड लेते हैं तो आपको कम से कम
आगे का 2-3 दिन का व्यू लेना पड़ता है, जरूरी नहीं है जो आपको सेम डे मोमेंटम कर जाए। सेम डे कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, सेम डे भी मोमेंटम हो सकता है, लेकिन कम से कम आपको आगे का व्यू देखना पड़ेगा जो हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वीकली चार्ट में एक बार देखिए, वीकली चार्ट में अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्लियर आपको यहाँ पे जो है स्टॉक, यहाँ पे आपको एक अच्छा डाउन ट्रेंड शो किया था, इस लेवल के नीचे आपको स्विंग लो ब्रेक हुआ था, उसके बाद आपको रिटेस्ट किया, फिर से डाउन ट्रेंड किया, लेकिन यहाँ पे आपको 2000 के लेवल के ऊपर इससे प्रीवियस वीक में क्लोजिंग दिया और इस वीक में प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकल चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपको वीकली बेसिस पे इससे पहले जहां से सेलिंग प्रेशर आया था उस लेवल को इस स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर की ओर डिफेंड कर दिया है, ऊपर की साइड यहाँ पे जो है क्लोजिंग दे चुका है इस लेवल के ऊपर। तो ये एक आपको वीकली चार्ट पे कहीं पे भी अब जो है यहाँ पे बियरिशनेस नहीं दिख रहा है, ये एक बुलिशनेस साइन यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिख रहा है। अब अगर हम लोग डेली चार्ट पे बात करें तो डेली चार्ट पे देखिए इस लेवल से एक अच्छा सेलिंग आया, नीचे में कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, फिर आपको देखिए इस लेवल के अराउंड जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे सेलर्स ने फिर से ट्राई किया आपको नीचे ले जाने का, लेकिन बायर्स ने इस बार कंट्रोल कर लिया और इस हाई के ऊपर आपको क्लोजिंग हो चुका है। यही चीज, सेम चीज जो हम लोगों ने वीकली चार्ट में आपको डिस्कशन किया वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे आया सेलर्स ने ट्राई किया बट यहाँ पे आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पे दो केस होगा, यहाँ पे सबसे पहले फ्रेश बायर भी एंट्री लेंगे, साथ ही साथ जिन लोगों का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो लोग भी यहाँ से पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे, इस वजह से अब स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर की साइड अगर रेसिस्टेंस देखेंगे तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो मेजर हर्डल है वो आपको 2200 के लेवल तक है, तो हम लोगों के पास इजीली आपको यहाँ पे 1:2 कैप्चर करने का जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में जो हम लोग कैसे एंट्री को प्लान करने वाले हैं, क्या हम लोगों का प्लान होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 2050 के लेवल पे आपको कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था और ये चीज आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम यहाँ पे आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखा, नीचे गया, फिर आपको बाउंस बैक किया, यहाँ पे एक अच्छा टाइम कंसोलिडेट किया, आज पूरा का पूरा टाइम आपको यहीं पे कंसोलिडेट किया है, कल आपको मोर देन हाफ टाइम से ज्यादा इसी लेवल पे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट का टाइम देखिए आपको क्लोजिंग टाइम में ब्रेकआउट हुआ है, इसका मतलब ये बेहतरीन आपको जो है कल एक मोमेंटम दे सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्विक रहना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम में जब भी मोमेंटम हुआ है तो नेक्स्ट आपको उसी लेवल से मोमेंटम कैरी आउट होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी आपको रिट्रेसमेंट मिलता है 2050 के अराउंड, अगर थोड़ा सा भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है डेफिनेटली यहाँ पे बाई करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नहीं तो अगर फ्लैट खुलता है इस रेंज में कहीं पे भी अगर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग का 2065-2050 इस लेवल के बीच में आपको कहीं पे भी अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस आपका 2000 का लेवल होने वाला है, 60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, टारगेट 120 पॉइंट का होने वाला है और हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है जो ऊपर की साइड आपको इतना स्पेस है जो हम लोगों का 1:2 का टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है अगर कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है सपोज 2085-2090 इस लेवल पे कहीं पे भी ओपन होता है आपको नहीं करना है। रीजन जो आपका स्टॉप लॉस इस लेवल से बढ़ जाएगा और आपका जो है यहाँ पे ऊपर की साइड टारगेट कंप्रोमाइज हो जाएगा, बेटर है हम लोग वेट कर लेंगे क्योंकि अगर यहाँ पे आपको एक मोमेंटम होगा फिर आपको रिट्रेसमेंट भी होगा, हम लोग रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होगा हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे उसके बाद ट्रेड करेंगे, अगर रिट्रेसमेंट नहीं होता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड को इंसिट नहीं करेंगे। लेकिन सपोज अगर किसी कारणवश से यहाँ पे आपको डाउन साइड ओपन होता है और फिर अगर यहाँ से बाउंस करता है यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है और यहाँ पे आपको बाई करने के लिए देखना है, स्टॉप लॉस आपका 2000 का लेवल होना चाहिए, एक राउंड नंबर लेवल भी, साथ ही साथ डेली चार्ट में आपको उस लेवल पे सपोर्ट भी है। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है, 2000 का लेवल जो है आपका स्टॉप लॉस होने वाला है, एंट्री पॉइंट
कहीं भी 2050 से 2065 के बीच में कहीं पे भी आपको मिले या 2070 तक भी मिले तो आप वहां पे एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिलेगा तो फिर जो है वहां पे आपको एक बार के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा ऊपर लोगे आपका टारगेट उतना ज्यादा कंप्रोमाइज होगा, स्टॉप लॉस उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जो सिर्फ आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, आपको एक अच्छा ट्रेड भी लेना है। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे इस लेवल के अराउंड कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप बाइंग करने के लिए देखिए। अगर गलती से भी गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा भी बाउंस दिखता है, आप यहाँ पे जो है बाई करने के लिए देख सकते हैं। 5 मिनट के चार्ट में भी अगर आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखता है आप बाई करने के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है वहां पे आपको फिर वेट करना होगा, एक बार के लिए रिट्रेसमेंट आने दीजिए ऊपर की लेवल से। इस लेवल पे सपोर्ट लेके अगर बाउंस करता है तो फिर हम लोग बाई करने के लिए देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, लॉजिक क्लियरली से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।